Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. बिलासपुर शहर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही स्वच्छ भारत की पोल खुलती नजर आ रही है। यह जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिलासपुर शहर की सब्जी मंडी और मीट मार्केट से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है, जहां आपको जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। कूड़े कचरे के ढेर से आ रही बदबू के चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ ही शहरवासियों को बीमारियों का डर भी बना रहता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से यहां कूड़े का ढेर देखते आए हैं, मगर आज तक नगर परिषद ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं स्थानीय जनता ने जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था किए जाने की नगर परिषद के आला अधिकारियों से अपील भी की थी। सर, बहुत गंदी है ये और बहुत टाइम से है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं, आप शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे, पर यहाँ पे ऐसी स्मेल, ऐसी गंदगी रहती है। और कितनी बार तो आई थिंक बोला भी है सफाई के लिए, बट करवाते ही नहीं है। ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं है, साथ में ही टच करता है, NH के साथ ही टच है, पर ये है कि थोड़ा नीचे को आ जाता है तो ऑकवर्ड सोच लेते हैं लोगों भी। चाहते हैं कि सफाई कराएं यहाँ की, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, हमारी शॉप खुद की भी है, यहाँ इससे ही कई बीमारियाँ लग रही हैं, इसलिए प्लीज़ इसे साफ कराएं। स्वच्छ भारत का सपना कभी पूरा हो पाएगा। शहर के अंदर ही है और ये गंदगी मेरे को 4-5 साल हो गए देखते हुए, ऐसी की ऐसी है। यहाँ पे कोई भी सफाई का कोई प्रावधान नहीं है और ये नगर परिषद का एरिया है, ये इनकी ड्यूटी है इसको साफ़ करना। बिल्कुल जल्दी सफाई करवाई जाए इसकी, अदरवाइज डेंगू फैलने का खतरा है, बरसात आ रही है ऊपर से। वहीं समस्या के संबंध में जब नगर परिषद बिलासपुर के कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया से पूछा गया तो उन्होंने गंदगी के पीछे सब्जी मंडी के दुकानदारों और स्थानीय जनता को दोषी बताया है। साथ ही उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए पूरे इलाके में 6 फीट लंबी वायर फेंस लगाने की बात कहते हुए किसी के द्वारा भी गंदगी फैलाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इस जो एरिया है इसको फेंस करने का निर्णय नगर परिषद द्वारा लिया गया है। इस एरिया को 6 फीट की वायर मैच लगा के फेंस कर दिया जाएगा और इसके टेंडर भी हमने कर दिए गए हैं और अवार्ड भी कर दिया है और ठेकेदार को निर्देश भी दे दिए हैं कि वो वहाँ पे तुरंत प्रभाव से जो है वहाँ पे वायर मैश लगाए, ताकि जो लोग गंदगी फेंकते हैं और वहाँ से फेंकना बंद हो जाए। और भविष्य में अभी हमने उनको एक लेटर भी जारी कर दिया है सब्जी मंडी को, कि वो अपने सब्जी मंडी के जो दुकानदार उनको कहें कि वो कचरा नगर परिषद को ही दें और उड़े भरे ना फेंकें। और किसी तरह का और भी अन्य मटेरियल अगर डेंजरस हैजार्ड बेस्ड इस तरह का है या कोई थर्माकोल इत्यादि गत्ते इत्यादि हैं, वो भी नगर परिषद को ही हैंड ओवर करें, ताकि हम जो उसका सही निष्पादन कर सकें। ये डायरेक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और हमने कार्रवाई भी की है, और अगर वो नहीं इसके बावजूद मानते हैं तो अब उनका जो है चालान किया जाएगा। बिलासपुर से सुनील ठाकुर की रिपोर्ट। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.